नमस्कार। दो चरण के मतदान के बाद सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा है वो ये है कि चुनाव में लोगों का जोश कहाँ नदारद है, उनका उत्साह क्यों खत्म हो गया है, मतदान का प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ रहा है, मतदान कम हो रहा है तो उसका किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा। ये तमाम सवाल चर्चा में है जब से पहले चरण का मतदान हुआ यानी 19 अप्रैल को। उसके बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान में भी वही स्थिति रही, जबकि पहले चरण के बाद दूसरे चरण में मतदान बढ़ाने के लिए कई तरह के उपाय किए गए। चुनाव आयोग ने एक टास्क फोर्स का गठन किया, सभी राज्यों के जो चुनाव अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत की गई और मतदान केंद्रों पर लोगों को राहत देने के कई उपाय किए गए, शामियाने लगवाए गए, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई। ये भी कहा गया कि अभी शादियां बहुत हैं तो शादी करने वाला जो परिवार, जिन परिवारों में शादी होने वाली थी उनको प्राथमिकता दी गई मतदान में कि वो लोग जल्दी मतदान करके जाए। इस तरह के तमाम उपाय किए गए, पार्टियों ने भी कोशिश की, इसके बावजूद मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा। दूसरे चरण में भी मतदान कम हुआ। जो अभी तक के अनऑफिशियल आंकड़े हैं उसके हिसाब से दूसरे चरण में भी 4% के करीब मतदान कम हुआ है, 3.5% और 4.5% मतदान कम हुआ है पहले चरण में। हालांकि ये ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, चुनाव आयोग ने अभी तक जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। और ये भी पहली बार हो रहा है कि 10 दिन बीत गया, 19 तारीख को पहले चरण का मतदान हुआ था और उसके आधिकारिक आंकड़े नहीं है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो प्रेस रिलीज है, जो 19 तारीख को जो प्रेस रिलीज जारी किया था आयोग ने, उसमें लिखा हुआ है कि 60% से ज्यादा मतदान हुआ, शाम 7 बजे तक का आंकड़ा है। आमतौर पर उसके बाद 24 घंटे या 48 घंटे में चुनाव आयोग अपडेट कर देता है और ये अंतिम आंकड़े आ जाते हैं, फाइनल डाटा जो होता है वो नहीं आया। अभी सब अंतरिम आंकड़ों के आधार पर और चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के आधार पर मीडिया का एक स्पेकुलेशन है कि पहले चरण में 67-68% और दूसरे चरण में 66% मतदान हुआ। इस तरह की बातें ये इधर उधर के आंकड़ों के आधार पर आ रही है। पता नहीं चुनाव आयोग ने क्यों नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की और बताया भी नहीं। खैर, वो जब आएगा फाइनल डाटा वो क्या होगा वो अलग चीज है। आंकड़े क्या है चुनाव मतदान के वो अपनी जगह है, लेकिन एक मतदान में जो उत्साह दिखना चाहिए था, जो जोश होना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है इस बार। और उसका क्या कारण हो सकता है? आमतौर पर ये माना जाता है कि अगर मतदान कम हो रहा है तो जो सत्तारूढ़ दल है उसको फायदा होगा, इनकम्बेंट को फायदा होता है, और जब मतदान बढ़ता है तो अपोजिशन की पार्टीज को फायदा होता है। आमतौर पर यह धारणा है कि मतदान बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि लोग सरकार बदलने के लिए जोश में उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं, जैसा 2014 में देखने को मिले। उसके बाद 2019 में भी मतदान बढ़ा 3%, लेकिन वो 1.5-2% के करीब, लेकिन वो भी एक कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि इनकम्बेंट के पक्ष में भी वोटिंग बढ़ती है, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मतदान कम होने पर सरकारें बदल जाती हैं। हर बार मतदान कम होना इनकम्बेंट को फायदा नहीं पहुंचाता, ये 2004 में हम लोगों ने देखा था। 2004 में मतदान का प्रतिशत गिरा था। इतना ही नहीं, जो सत्तारूढ़ दल थी भाजपा, उसका मत प्रतिशत गिरा और उससे ज्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस का कम हुआ। इसके बावजूद कांग्रेस जीत गई और बीजेपी हार गई थी, 2004 में हुआ था। और फिर 2009 में वोट प्रतिशत बढ़ा तो कांग्रेस की वापसी हुई। इसी तरह से 2014 में वोट प्रतिशत बढ़ा तो लोगों ने कांग्रेस को हराया, बीजेपी आई, लेकिन 2019 में कंटिन्यूटी बनी रही, वोट प्रतिशत बढ़ा तो उसका फायदा हुआ बीजेपी को। तो यह कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि वोट कम हो रहा है तो उसका किसको नुकसान होगा या किसको फायदा होगा। इतना जरूर है कि जिस तरह का प्रचार हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कमान संभाली है प्रचार की, बीजेपी के जिस तरह के दावे हैं कि 2047 तक जब आजादी के 100 साल होंगे तो भारत को विकसित देश बनाना है, 3 साल के भीतर भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना देना है, और इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं। प्रधानमंत्री का मजबूत नेतृत्व, भारत के विश्व गुरु की हैसियत, राम मंदिर का मुद्दा, अनुच्छेद 370 समाप्त करने का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों के बावजूद अगर जोश नहीं आ रहा है तो ये निश्चित रूप से बीजेपी के लिए चिंता की बात होगी। क्योंकि आमतौर पर जब इतनी हाइप बनाई जाती है, जब कैंपेन को इस पिच पर ले जाया जाता है, इतना सघन प्रचार होता है, तब ये माना जाता है कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा, लोगों में उत्साह दिखाई देगा, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है। और इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि बहुत गर्मी पड़ रही है या बहुत शादियां हैं इसकी वजह से, कहीं ना कहीं लोगों का जोश, लोगों का उत्साह नदारद है, लोगों की उम्मीदें समाप्त हो गई हैं या ये कहें कि कम हो गई हैं। हालांकि इसकी एक दूसरी व्याख्या है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, उनका दावा है कि ये उनके वोट पड़ रहे हैं,
लोग सरकार से बहुत नाराज नहीं है। जो सर्वे आए चुनाव के पहले उसमें भी ये पता चला कि लोग पिछली बार से ज्यादा वोट देना चाहते हैं। पिछली बार 37% लोगों ने वोट दिया था कांग्रेस बीजेपी को, इस बार 40% लोग चाहते हैं कि बीजेपी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की वापसी हो। जब 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 ज्यादा लोग चाहते हैं कि वापसी हो, उसी तरह से उसी सर्वे में ये डाटा है कि ज्यादा लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को भी वोट दें, इसके बावजूद वोट प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है और वह उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है जो चुनाव में। तो ये इसकी कई तरह से व्याख्या करने की जरूरत है। सोशियोलॉजिस्ट इसकी अलग व्याख्या करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज अलग व्याख्या करेंगे, समाजशास्त्रीय नजरिए से भी इसकी व्याख्या करने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि चुनाव में लोगों का उत्साह नहीं दिख रहा है। ये एक जो मत प्रतिशत का मामला है वो उसको अगर इसके साथ जोड़ करके देखें तो ये भी कह सकते हैं कि अब भारत का जो मतदाताओं का जो वोट डालने का प्रतिशत है वो एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गया है, एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां से बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत नहीं बढ़ सकता है। और उसका कारण यह है कि भारत में अगर अभी पिछली बार जैसे 67% से ज्यादा पोल हुआ था, 67.7% के करीब पोल हुआ था, तो ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट किया था, भारत में 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता है। और अगर इस बार 7 चरण के बाद इसी तरह का औसत रहता है कि 67% या उससे 1% कम पोलिंग होती है, तब भी मतलब ये होगा कि 65 करोड़ लोगों ने वोट डाला, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये मान सकते हैं कि अब इससे ज्यादा अगर वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाना है तो कोई बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए, कोई बड़ी परिघटना होनी चाहिए, कोई बड़ी फाइट की बुनियाद बने या कोई बहुत बड़ा मुद्दा आ जाए देश के सामने, लोगों के सामने, तभी जाकर के इससे ज्यादा मत प्रतिशत बढ़ेगा। नहीं तो औसतन इतना ही रहेगा और मंथर गति से बढ़ता रहेगा, कभी आधा परसेंट कभी 1% इस तरह का बढ़ता रहेगा। और वो तब बढ़ेगा जब जैसे जैसे चुनाव आयोग वोटिंग की प्रक्रिया में सुधार करेगा, प्रचार के जरिए लोगों तक पहुंच बनाएगा, पार्टियां कुछ ऐसी चीज सामने रखेंगी जिससे लोग वोट डालने आए, तभी बढ़ेगा। जितना बढ़ना था एक बार में वो बढ़ गया। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि भारत में वास्तविक मतदाताओं की संख्या उतनी नहीं हो जितनी मतदाता सूची में दर्ज है। भारत में इतना ज्यादा डोमेस्टिक माइग्रेशन है, दुनिया के किसी देश में इतना डोमेस्टिक माइग्रेशन नहीं है। हर राज्य से दूसरे राज्य में लोग जाते हैं नौकरी करने, पढ़ाई करने, काम धंधे के सिलसिले में, और कई बार लोगों का कई कई जगह वोटर लिस्ट में नाम होता है। चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया शुरू की है तमाम जो वोटर आई कार्ड के साथ, वोटर आई कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए। अगर ऐसा होता है, हालांकि इसमें लोगों के सामने प्राइवेसी का, लोगों की प्राइवेसी संकट में आएगी, खतरे में आएगी, और इसकी वजह से इसका विरोध भी किया जा रहा है। अगर बिना प्राइवेसी को खतरे में डाले चुनाव आयोग इस तरह का कोई उपाय कर सकता है कि जो डुप्लीकेट वोट्स हैं वो हटाए जाए, जो फर्जी वोटर्स हैं उनके नाम काटे जाए बूथ वो मतदाता सूची से, तो वास्तविक संख्या सामने आएगी। एक तो भारत में जनगणना भी नहीं हुई है तो आबादी का भी अनुपात पता नहीं है कि आबादी कितनी बढ़ी है, वास्तविक आंकड़े उसके भी नहीं है, और मतदाता सूची में बहुत सारे फर्जी नाम है या डुप्लीकेट नाम है। लोग जहां रहते हैं, मूल निवास है, वहां भी मतदाता है, जहां नौकरी करने गए हैं वहां भी मतदाता है। अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है और गांव में रहता है तो दोनों जगह उसका मतदाता सूची में उसका नाम है। इसको कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसकी वजह से भारत में मतदाताओं की संख्या बहुत बड़ी दिखाई देती है। अगर उसकी छटनी हो जाए तो वास्तविक आंकड़ा कम हो जाएगा और फिर 67-68% पर भी मतदान का प्रतिशत बहुत बढ़ जाएगा, 75% या उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये अपने आप में पर्याप्त आंकड़ा है, इससे ज्यादा बढ़ाने के लिए, इससे ज्यादा बढ़ाया भी नहीं जा सकता है। एक तो शहरी इलाकों में लोगों के मतदान करने की एक इच्छा नहीं होती है, उनकी सारी बहस सोशल मीडिया तक सिमट के रह गई है। ये भी होता है कि मतदान के दिन छुट्टी है तो उस दिन लोग छुट्टी मनाने निकल जाते हैं, आगे पीछे अगर कोई सप्ताहांत आ रहा है या कोई दूसरी छुट्टी आ रही है तो लोग छुट्टी लेकर के छुट्टी मनाने निकल जाते हैं। ये बड़े शहरों में और महानगरों में एक बड़ा फिनोमेनन है और ये इस बार की के भी मतदान में देखने को मिला है कि पूरा NCR का जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, जिसमें नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर भी है, गाजियाबाद भी है, वहां 50% मतदान नहीं हुआ। मथुरा में भी 50% मतदान नहीं हुआ। तो ये भी एक संकट है लोगों का, मध्य वर्ग के सामने एक है कि उनको उनकी लोकतंत्र में रुचि खत्म होती जा रही है या उदासीनता बढ़ती जा रही है। ये भी एक बड़ा वर्ग है जो ये सोच रहा होगा कि अब उनके मतदान करने से क्या चीजें बदल रही हैं जो वो मतदान करें।
इस पूरी बहस में एक इस बात पर भी विचार करने की जरूरत है कि जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अब की बार 400 पार का नारा लगाया गया, क्या उससे भी लोगों में उदासीनता आई कि बीजेपी तो जीती रही है, अब क्या देना है बीजेपी को, जब वोट देने क्या जाना है, बीजेपी तो जीती रही है और 400 पार कर रही है, तो हमारे एक वोट देने से क्या बन जाएगा या बिगड़ जाएगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि एक स्टेबिलिटी आ गई है, बहुत जोश और उत्साह में जाकर के वोट देने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत रंगारंग तरीके से चुनाव को एक उत्सव की तरह मनाने के बजाय लोग चुपचाप जाएं और वोट दें। आखिर 66-67% वोट होने का आंकड़ा तो आ ही रहा है, तो ये भी अपने आप में कम नहीं होता है। और लोगों को पता है कि एक स्टेबिलिटी एक लेवल पर ले जाकर के स्टेबल कर दिया गया है, अब इससे ज्यादा या कम की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, कोई ऐसी स्थितियां नहीं है कि इससे ज्यादा या कम हो। जो चल रहा है वो सब ठीक चल रहा है, यथास्थिति का भी एक मामला हो सकता है। तो इन तमाम मसलों पर चुनाव आयोग को भी विचार करने की जरूरत है कि किस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़े। क्या गर्मी की वजह से, अगर उसको ये फीडबैक मिल रही है कि गर्मी की वजह से मतदान में गिरावट आ रही है या बहुत ज्यादा मतदान नहीं हो रहा है, तो उसको मतदान का समय चेंज करना चाहिए, ये अप्रैल मई के बजाय फरवरी मार्च में चुनाव करा लिए जाए, 2 महीने पहले चुनाव हो जाए और उसके बाद एक साइकिल बन जाए। अगली बार से तो ये भी बात हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा, यानी सारे देश का चुनाव एक ही साथ होगा, तो वो फिक्स कर देना चाहिए कि जनवरी या फरवरी में होगा, तो ये मौसम का मामला खत्म हो जाएगा। हालांकि पिछले 4 चुनाव इन्हीं महीनों में हुए हैं, 2004, 2009, 2014, 2019 के चुनाव इन्हीं गर्मियों में हुए, अप्रैल मई में ही हुए और लोगों में उत्साह दिखता रहा था। तो ये एक तरह की उदासीनता आ रही है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर किसी भी वजह से आ रही है, लोग ये भी मान रहे हैं कि उन्होंने एक अच्छा काम कर दिया, अब जो सरकार चुन दी वो चलती रहे, अब वोट करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे जो सरकार ये सोचेगी कि लोगों को मतदान से दूर रख के ही सरकार कैसे बनाई जा सकती है, उनके लिए ये चीजें बहुत मुफीद साबित होंगी। लोगों को आगे आना चाहिए है, लोगों को आगे बढ़ के मतदान की प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए है, ताकि वैसे भी भारत में लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनका योगदान जो होता है, उनकी जो भागीदारी होती है, वो एक बार वोट देने की ही भागीदारी होती है। इसके अलावा 5 साल में कोई कुछ नहीं करता है, आम आदमी तो कुछ करता ही नहीं। जो पार्टियां और जो सामाजिक संगठन भी पहले काम करते थे, उनमें भी एक उदासीनता आ रही है या उनमें उदासीनता ला दी गई है, उनको ऐसी स्थिति में ला दिया गया है कि वो विरोध और प्रदर्शन न करें। तो ये एक बार जो 5 साल का मौका है, इसका इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए है, अपनी इच्छा का प्रकटीकरण करना चाहिए, जाकर के वोट डालना चाहिए। धन्यवाद।